फुलझड़ी और मैं श्रुति। फरवरी का महीना शुरू होते ही लोग प्यार और रोमांस के सेलिब्रेशन में रम जाते हैं। आखिर फरवरी में ही 14 तारीख को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल फरवरी में ही काला घोड़ा कला महोत्सव यानी काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है। तो अगर इस बार आपकी ट्रेवल विश लिस्ट में मुंबई भी शामिल है तो वहां जाने का प्लान इसी महीने बना लीजिए, क्योंकि काला घोड़ा फेस्टिवल का लुफ्त और रोमांच आपको फरवरी में ही इंजॉय करने को मिलेगा। जी हाँ, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इस फेस्टिवल की शुरुआत कब से हुई। काला घोड़ा कला फेस्टिवल पहली बार वर्ष 1999 में शुरू हुआ था। ये आमतौर पर मुंबई फोर्ट के काला घोड़ा जिले में और इसके आसपास आयोजित किया जाता है। काला घोड़ा को इंग्लिश में ब्लैक हॉर्स कहा जाता है, जो किंग एडवर्ड सेवेंथ यानी तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स की काले पत्थर की मूर्ति का उल्लेख करता है। ये मूर्ति घोड़े की सवारी करते हुए मुंबई के इस क्षेत्र में रखी गई थी। हालांकि प्रतिमा को 1965 में बियकुला जू में भेज दिया गया था। आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस महोत्सव की प्रसिद्धि को नकारा नहीं जा सकता। देश विदेश से प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में यहाँ कला प्रेमी आते हैं। इस महोत्सव में भाग लेने वाले व्यक्ति अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें यह महोत्सव कलाकारों और उनके प्रशंसकों को एक ही स्थान पर लाने में सहायता करता है। प्रत्येक वर्ष बहुत सी कंपनियां इस फेस्टिवल की प्रायोजक बनती हैं, क्योंकि यह महोत्सव देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर अपनी पकड़ रखता है। इसीलिए आर्थिक स्तर पर इस महोत्सव का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। कलाकारों की विभिन्न कलाकृतियों का अहम रूप यहाँ देखने को मिलता है। इस महोत्सव में लगाई गई कलाकृतियों के साथ उनकी जानकारी हेतु सूचना पट्टिका लगी होती है, जो दर्शकों को कलाकृति के बारे में जानकारी देती है। इस प्रकार जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से भी इस महोत्सव का हिस्सा बना जा सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस बार 9 दिन का यह फेस्टिवल होने वाला है। काला घोड़ा कार्निवाल की रौनक इन खूबसूरत लोकेशंस पर होगी, जो 100 साल पुरानी पारंपरिक बिल्डिंग तो है लेकिन उनकी खूबसूरती बेमिसाल है। इनमें शामिल है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जहां पर बच्चों का म्यूजियम है, कुमरा स्वामी हॉल, एमवी थिएटर, वहां का लॉन और कुछ बाहरी सुंदर नजारे, मैक्स मुएलर भवन जहां पर कला और वास्तुकारी का अनोखा नजारा आपको देखने को मिल सकता है, एनजीएमए ऑडिटोरियम, हॉर्निम सर्कल गार्डन, किताब खाना और काला घोड़ा की गलियां। जी हाँ, तो आप इस फेस्टिवल का लुफ्त कब उठाएंगे हमें जरूर कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ आपको ये जानकारी हमारी कैसी लगी हमें जरूर बताइए, और हमारे चैनल को इसी तरह लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा शेयर करते रहिए, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।